नमस्कार, मैं अनिल पुसदकर, स्वागत है आपका Grit.in में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं कोरोना के बढ़ते प्रकोप की और बात करते हैं आपदा कोरोना से जो उसका निपटने के उपाय हो रहे हैं, जो कोरोना आपदा प्रबंधन है उसकी। दुर्ग जिले के कलेक्टर ने लॉकडाउन घोषित कर दिया, उसके पहले राजनांदगांव भी हो चुका है, मुंगेली भी हो चुका है, बेमेतरा भी हो चुका है, रायपुर नहीं। रायपुर में मरीज मिल ही नहीं रहे, रायपुर में कोरोना है ही नहीं, दुर्ग में है, राजनांदगांव था, उधर मुंगेली बेमेतरा, हद है। जो कोरोना का हब है, जो कोरोना की फैक्ट्री बन गया है रायपुर, नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, 1000 से ज्यादा दे रहा है, इंदौर से बड़ा हो गया है, वहां ठीक है, इट्स ओके। ये तीन शब्द इट्स ओके जो है, ये बहुत घातक है। ऐसी लापरवाही, जहां कोरोना चरम पर है वहां बंसरी बजा रहे हैं साहब, नीरो हीरो क्या बोलोगे, नीरो टक्कर कर रहे हैं, ऐसी है छोटे मोटे जीरो फीरो। और वो दुर्ग में, उनको चिंता है अपने लोगों की, उनको चिंता है। और फिर दुर्ग जिले में मंत्री भी बहुत सारे हैं, मुख्यमंत्री भी वहीं के हैं। रायपुर के जो कवैया थे, विद्या भैया, वो चले गए, श्यामा भैया वो चले गए, सत्तू भैया घर में बैठे कोने में, अकबर भैया उनके घर, वो अपने घर से ही परेशान है, उनके घर में बहुत सारे हैं। बिरजू भैया, उनको फुर्सत ही नहीं है अपने पार्टी के दांव पेच से। राजू भैया, राजू मुणार, वो भी लगे हुए हैं, वो अपना वो फेसबुक में ही चल रहे हैं, उनका वीडियो अपडेट लाइव। अरे यहाँ देखो रायपुर में हो क्या रहा है, लोग घूम रहे हैं रिश्तेदार को ले लेके, रुपये पोटली ले लेके घूम रहे, भैया पैसे जितना लगे भर्ती करा दो, जगह नहीं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ कोने कोने के छोटे मोटे अस्पताल, जो कभी मतलब ऐसा लगता था कि पर्दे तक धोने के लिए उसका पैसा नहीं निकलता रहा होगा, इतने कमरे खाली रहते थे, वो पूरा पैक। ऐसा लगता हर अस्पताल में बॉबी पिक्चर लग गई हो, हाउसफुल। और साहब इट्स ओके, बहुत ज्यादा बोलते इट्स फाइन। अरे फाइन और ओके नहीं रे भैया, लोग मर रहे हैं। समता कॉलोनी पूरा पैक हो गया चारों तरफ से, होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी दे दी गवर्नमेंट, भैया घर में रहो यार, नहीं है जगह। ऐसे में कम से कम, अरे मत करो लॉकडाउन, अरे कुछ तो कंट्रोल करो, कुछ तो सख्ती बरतो। ये लापरवाह लोगों का शहर है रायपुर, जो है राजधानी होने से पहले से भैया लोगों का शहर है, भैया लोगों के वरदहस्त होने के कारण, भैया लोगों के वरदहस्त के कारण यहाँ हर कोई जो है तोपचंद है, हर कोई जो है लापरवाह है, हर किसी को नियम की परवाह नहीं है। यहाँ की लड़कियां 3 सवारी मोटरसाइकिल स्कूटर चलाती है, और भी चौक पे जहां ट्रैफिक पुलिस एक नहीं तीन तीन चार चार रहते, वहां से 3 सवारी निकलती लड़कियां, दम है तो रोक ले, रोकेगा तल्ले लगा रही, फोन ले, सुन बात कर, भैया से बात कर, ये भैया लोगों का शहर है। यहां का आदमी अनुशासनहीन पैदाइशी है, शौकिया है, आदतन है। आपको उनकी चिंता करना चाहिए और करना पड़ेगी। दुर्ग जैसे छोटे शहर में लॉकडाउन, राजनांदगांव उससे भी छोटा, जो जिसके नाम पे ही गांव लगा हुआ है, और वो गांव ही है, पता नहीं कितने 40-50 साल हो गए उसको जिला बने हुए, वो दुर्ग से उबर नहीं पाया है। बेमेतरा और छोटा, मुंगेली तो गांव ही समझ लो। सब जगह के जिम्मेदार आईएएस लोगों को अपने लोगों की चिंता है, सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें,
सरकार ने कह दिया है, हमने जिम्मेदारी कलेक्टर को सौंप दी है, कलेक्टर तय करे उसको लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है, उसको क्या क्या उपाय करना है क्या नहीं करना है। सरकार जो है बाकी जो आपदा प्रबंधन हो जो है उन्हें होना चाहिए, जो केंद्र सरकार से चाहिए चिट्ठी और जो व्यवस्था करना है अस्पतालों में वो सब कर रही है, दवा की आपूर्ति, ये बाकी फैसला उसका क्रियान्वयन कार्यपालिका ये भी सरकार करेगी। तो भैया बांसुरी जाके जरा उधर समुद्र किनारे बजाते, दुर्भाग्यजनक है ऐसी स्थिति में जब स्थिति विस्फोटक हो गई है लोग डरने लग गए। अभी तक का जो कोरोना का जो मजाक बनाते थे उनके चेहरे पे भय दिखने लगा है, आतंक दिखने लगा है, घबराहट होने लगी, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बोले यार देख के रहना यार। पहला शब्द होता है कि अपना ख्याल रखना, फेसबुक और ट्विटर पे जो है अपना ख्याल रखना के मैसेज से जो है पूरे बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, कोरोना ज्यादा फैला हुआ है, अपना ख्याल रखना, और साहब को पता ही नहीं किसका ख्याल रखना, और क्या दुर्भाग्य हो सकता है इससे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य मुश्किल हो सकता, पता नहीं कब भाग्य जागेंगे, पता नहीं कब प्रशासन जागेगा, पता नहीं कब एहतियाती कदम उठेंगे, पता नहीं कब अनुशासन का डंडा चलेगा, पता नहीं कब लोग सुधरेंगे और पता नहीं कब कोरोना नियंत्रित होगा, लेकिन तब तक देर ना हो जाए सरकार, कुछ तो करिए हुजूर। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.